कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से 5 मई से धारा 144 के तहत विवाह पर रोक लगा दी गई थी और पूर्व में दी गई सभी अनुमतियों को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कई विवाह चुपचाप आयोजित किए गए। इस पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर ने ऐसे समस्त विवाहों के पंजीयन निरस्त करने के आदेश दिए हैं। जारी किए गए निर्देश के अनुसार 5 मई के बाद के विवाह यदि गलती से पंजीकृत हो गए हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के लिए कहा गया है। कोरोना का प्रकोप जारी है, ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन काफी सख्त कदम उठाते हुए कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कई प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन ने धार्मिक आयोजन और शादी विवाह पगड़ी की रस्म पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध के बावजूद कई लोग चोरी छुपे शादी समारोह और गमी के कार्यक्रम कर रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। लॉकडाउन लगने के बाद भी जिले में कई लोगों ने चोरी छुपे शादी की, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को लगी तो हालांकि जिला प्रशासन ने कई शादियां रुकवा कर कार्यवाही करते हुए धारा 181 में प्रकरण दर्ज किए हैं। ऐसे में कोरोना की चेन को तोड़ना असंभव दिखाई दे रहा था, जिस पर उज्जैन जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया कि 5 मई के बाद जितनी भी शादी समारोह हुए हैं उनके पंजीयन पूरी तरह निरस्त कर दिए जाए। वहीं जिला कलेक्टर ने बड़नगर के सरपंच के यहाँ शादी समारोह आयोजित हुआ था, जिस पर जिला कलेक्टर ने सरपंच के खिलाफ मामला भी दर्ज किया और सरपंच पद को तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्यवाही भी की जा रही है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 5 मई के बाद जिन परिवारों में शादी समारोह हुए हैं उनके पंजीयन को निरस्त करने के आदेश तत्काल प्रभाव से दिए गए हैं। देखिए, शादियों के संबंध में 10-11 तारीख के आसपास, मई के आसपास मेरे द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि चूंकि 2-3 ऐसे मामले आए थे जहां पर शादी समारोह के कारण न केवल कोरोना के केसेज बढ़े थे बल्कि उन परिवारों में डेथ्स भी हुई थी, तो उनसे सबक लेते हुए सभी से अपील करी गई थी कि कृपया शादी जो समारोह हैं, जो विवाह समारोह हैं या जो इस प्रकार के भी दूसरे भी समारोह हैं उनको आगे के लिए मुलतवी कर दिया जाए, मई के बाद उनको फिक्स किया जाए। फिर भी ये सूचना मिल रही थी कि कहीं पर चुपके चुपके इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। बड़नगर में एक सरपंच के द्वारा खुद अपनी बेटी का विवाह जो है किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई FIR की हुई भी है, पद से पृथक करने की कार्रवाई भी प्रचलित है। तो इन सब चीज़ों से सीख लेते हुए ये निर्देश निकाले गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर भी रहा है तो हम लोग उसका विवाह का पंजीयन नहीं करेंगे, जिससे कि ये मैसेज जाए समाज में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और विवाह की वजह से अगर हम लोग 10-15 दिन उसको आगे बढ़ा देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जीवन जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी को इस गाइडलाइन का पालन करना है। देखिए, ये 11 तारीख का के बाद का हमारे द्वारा इसमें निकाला गया है और चूंकि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो हैं वो सीमित हैं, जो ग्राम सचिव हैं और जो नगर निगम कमिश्नर हैं या फिर CMOs होते हैं वो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं, उनको सबको निर्देशित किया गया है, उनके द्वारा इसका पालन किया